हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल रक्षा की रसोई ब्लॉग में। तो आज का वीडियो है कि हम अपने चैनल पर वीडियोस तो डालते ही डालते हैं, मेन तो हमारा वीडियोस ही है। जब हम वीडियो डालेंगे तभी हमारे चैनल की ग्रो होती है, व्यूज आता है। लेकिन आपको आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ, मतलब कुछ वीडियो डालने के अलावा भी बताने वाली हूँ, जिनको अगर आप अपने फॉलो करते हैं तो आपको वीडियो डालने के अलावा कुछ और व्यूज भी मिलेंगे, यानी कि व्यूज इंक्रीज होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको चार चीजें ऐसी बताऊंगी जिससे व्यूज आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो चीजें हैं जिससे आप व्यूज को इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे जो पहली चीज है वो है कम्युनिटी टैब। ये क्या होती है, जब आप चैनल पर जाएंगे अपनी माय चैनल पर तो आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं वीडियो प्लेलिस्ट करके, तो ऐसे ही कम्युनिटी टैब का ऑप्शन भी मिलेगा। ये कब मिलता है, जब आपके 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है तो आप अपने पुराने वीडियोस को फिर से यहाँ पर शेयर कर सकते हो, तो आप बूस्ट करा सकते हो एक तरीके से वीडियो को, तो इस तरीके से व्यूज आता है। लेकिन यहाँ पर आप एक काम और भी कर सकते हो, आप यहाँ पर कोई भी पोस्ट डाल सकते हो, जैसे अपनी फोटो डाल दी या आपने किसी गूगल से लेके कोई बेबी की फोटो डाल दी अच्छी सी, या आप कहीं घूमने गए वहां की फोटो डाल दी। तो कभी कभी क्या होता है, वीडियो ना वायरल होकर के कम्युनिटी टैब में पोस्ट वायरल हो जाती है, क्योंकि YouTube ने कम्युनिटी टैब में शेयर का ऑप्शन रखा हुआ है, तो लोग अपनी आपकी पोस्ट को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पोस्ट से वायरल हो जाती है, तो इस वायरल के होने से आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं और चैनल भी ग्रो हो जाती है। और अगर आप पुराने वीडियोस को फिर से शेयर कर देते हो या दूसरी चैनल की वीडियोस को शेयर करते हो तो इससे आपको व्यूज भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो व्यूज तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, साथ में चैनल के ग्रो होने के भी चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला कम्युनिटी टैब। दूसरा होता है स्टोरी। चैनल पर हमें एक स्टोरी का ऑप्शन मिलता है, अगर आपको भी मिल चुका है तो स्टोरी जरूर डाला करिए। स्टोरी में मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि जैसे हम लोग रेसिपी या जो उस टॉपिक पर बनाते हैं वो तो डालते ही डालते हैं कि आप देखने के लिए मेरी चैनल पर जा सकते हो या उसकी फोटो डाल दी। जब भी मैं अपनी फोटो डालती हूँ, पर्सनली बता रही हूँ, तो सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ते हैं। तो आप स्टोरी में जो पोस्ट डालते हैं उससे सब्सक्राइबर के बढ़ने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि स्टोरी की जो स्टोरी होती है ना उसकी रीच जो होती है ना वो वीडियो से बहुत ज्यादा होती है। अगर वीडियो में आपके 1000 व्यूज आ रहे हैं तो उस स्टोरी आपकी कम से कम 4-5 हजार तक, लोगों तक 10 हजार तक पहुंचेगी। ठीक है, तो इसलिए वहां पर आपको पोस्ट डालना है, बहुत जरूरी है। और अपनी फोटो खूब डाला करिए, बच्चों की फोटो डालिए, फैमिली की फोटो डालिए, तो इससे सब्सक्राइबर अच्छे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक 8 लाख लोगों ने मेरी स्टोरी देखी, जिसमें 1293 सब्सक्राइबर मुझे मिले। तो ये सब्सक्राइबर मुझे स्टोरी के माध्यम से मिले हैं, तो स्टोरी से सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं। अगला जो है वो है प्लेलिस्ट। ठीक है, तो अगर आपके वीडियोस की प्लेलिस्ट नहीं बनी है चैनल की तो आप प्लेलिस्ट बना लीजिए। प्लेलिस्ट क्या होते हैं, आप मतलब किस कैटेगरी पे वीडियो बना रहे हैं, जैसे मैंने ब्लॉग अपनी चैनल पर ब्लॉग बना रही हूँ, YouTube से रिलेटेड बना रही हूँ, कुछ मैं पर्सनल लाइफ से बना रही हूँ, तो मैंने लिख दिया सक्सेस यूट्यूबर बनने के लिए कुछ खास टिप्स। तो जितने मैं YouTube से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी उसको मैं उसमें डाल दूंगी, जितने मैं पर्सनल ब्लॉग बनाऊंगी तो एक मैंने बना लिया पर्सनल ब्लॉग, उसमें डाल दूंगी। तो मतलब कोई बंदा मैं पर्सनल ब्लॉग प्लेलिस्ट को खोलेगा तो उसमें मेरे सारे वीडियोज उसको दिख जाएंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट एक नाम होता है सभी वीडियो को इकट्ठा रखने का, एक ग्रुप कह लीजिए, कुल मिलाकर के एक प्लेलिस्ट बना लीजिए, उसमें आपके सारे वीडियोज उस कैटेगरी के जितने आपने वीडियोज बनाए वो आप उसमें डाल दीजिएगा। तो प्लेलिस्ट बनाने से भी बहुत ज्यादा व्यूज बढ़ते हैं। कभी कभी YouTube क्या करता है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके जो मतलब सब्सक्राइबर है या अदर आम लोग हैं जो हम जैसे व्यूवर्स हैं उनको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ही दिखा देता है। तो प्लेलिस्ट, जब बंदा प्लेलिस्ट पे जाता है तो उसको ढेर सारे वीडियोज देखने को मिल जाते हैं, तो वो वहां से वीडियो वॉच करता है, व्यूज बढ़ते हैं। तो एक जरिया ये भी है प्लेलिस्ट बना करके व्यूज को इंक्रीज करने का। आप हर वीडियो में एंड स्क्रीन और कार्ड्स डाला करिए। ठीक है, जब भी वीडियो खत्म होता है तो आखिरी में 4 एंड स्क्रीन आप डाल सकते हो। एंड स्क्रीन क्या होता है, 4 और वीडियो आपको दिखेंगे। जैसे मैंने आपकी वीडियो वॉच करी, जब वीडियो खत्म होने लगा तो 10 सेकंड पहले ही मुझे आपके 4 वीडियो और नजर आने लगेंगे, 4, 2, 1, जैसा आप चुनेंगे। उसमें काफी ऑप्शन रहते हैं तो मैं अक्सर 4 ही डालती हूँ, तो 4 वीडियो आपको और नजर आएंगे तो मैं वहीं के वहीं आपकी दूसरी वीडियो पे जंप कर जाऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं और कहीं ना जाकर के आप ही के वीडियो पे रेगुलरिटी रखूंगी, दूसरी वीडियो पे चली जाऊंगी तो व्यूज ज्यादा आता है। कार्ड भी डालना है आपको। कार्ड क्या होते हैं, जैसे वीडियो आप देख रहे हो तो बीच बीच में ऊपर लिख के आता है टाइटल। ठीक है, तो वहीं से आप, जैसे कभी कभी क्या होता है हमारे वीडियो से आप बोर हो रहे हैं,
आपको लग रहा है मुझे नहीं देखना, आप हटने वाले हो, लेकिन आपके ऊपर कार्ड्स नजर आ गया तो आप वहीं पर क्लिक करके मेरे दूसरे वीडियो पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कार्ड और एंड स्क्रीन भी डालने हैं, इससे भी बहुत ज्यादा व्यूज इंक्रीज होते हैं। मुझे तो ये सबसे बेस्ट लगता है कार्ड और एंड स्क्रीन। मैं तो हालांकि सभी चीजें यूज करती हूँ, कम्युनिटी में भी पोस्ट डालती हूँ, स्टोरी भी डालती हूँ और प्लेलिस्ट भी मेरी बनी हुई है, लेकिन सबसे बेस्ट मैं ये जरूर कभी नहीं छोड़ती हूँ कार्ड और एंड स्क्रीन। इससे मेरा व्यूज बहुत इंक्रीज होता है। इससे मेरा एक वीडियो अगर वायरल हो रहा होगा उसमें मेरे कार्ड एंड स्क्रीन से मेरे दूसरे वीडियो में भी बहुत सारे व्यूज आने लगते हैं। तो ये तरीका है। वीडियो के अलावा चार और चीजें हैं जो आप व्यूज को इंक्रीज कर सकते हो, चैनल को ग्रो कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और आवाज आज मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, निकल नहीं रही है, तो उसको भी इग्नोर करिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।